और दूसरा है एमआरएसए, मेथिसिलिन रजिस्टेंट, एमआरएसए मेथिसिलिन रजिस्टेंट स्टाइप स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, मेथिसिलिन रजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। मेथिसिलिन रजिस्टेंट, ये स्ट्रेप्टो नहीं स्टेफाइलोकोकस है, स्टेफाइलोकोकस। और यस, ये एमआरएस से बहुत सारे एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट होता है। ये ड्रग रेजिस्टेंट स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया यहां लिखा है, उसके आगे ड्रग रेजिस्टेंट लिख लो बस। ड्रग रेजिस्टेंट स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। तो ये सारे बैक्टीरियाज हैं जो निमोनिया कॉज करते हैं। और इनके खिलाफ हम लोग दवाइयां यूज करते हैं। अब बैक्टीरियल निमोनिया दो टाइप के कौन कौन से, एक्वायर्ड निमोनिया, कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया और हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया, सीएपी और एचएपी। हम लोग बात करते हैं सीएपी, सीएपी लिखो, सीएपी इज ए निमोनिया दैट इज, सीपी इज ए निमोनिया दैट इज कॉन्ट्रैक्टेड इन द कम्युनिटी, कॉन्ट्रैक्टेड इन द कम्युनिटी फुल स्टॉप। इट इज डिवाइडेड इन द, इट इज डिवाइडेड इन द टू फॉर्म, इट इज डिवाइडेड इन द टू फॉर्म, टिपिकल निमोनिया और एटिपिकल निमोनिया। टिपिकल निमोनिया एंड एटिपिकल निमोनिया, टिपिकल निमोनिया में लिख लो प्रेजेंट विद टिपिकल फीचर्स ऑफ निमोनिया, प्रेजेंट विद टिपिकल फीचर्स ऑफ निमोनिया। अब टिपिकल फीचर्स कौन से हैं निमोनिया के, टिपिकल साइन, टिपिकल सिम्टम, टिपिकल फीचर कौन से निमोनिया के, फीवर, प्रोडक्टिव कफ, ब्रीथलेसनेस, प्लूराइटिक चेस्ट पेन, ये सब टिपिकल फीचर है। तो अगर इतने ही सिम्टम आ रहे हैं तो वो क्या है, टिपिकल निमोनिया। और पेशेंट अगर हॉस्पिटल कभी नहीं गया है या पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट नहीं है तो कौन सा हो गया, कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। और सिम्टम उसको सिर्फ टिपिकल वाले आ रहे हैं तो टिपिकल निमोनिया। लेकिन अगर सिम्टम कुछ और अलग से भी आए, कॉम्बिनेशन हो टिपिकल के साथ कुछ और कॉम्बिनेशन हो, जैसे एक्स्ट्रा लंग्स के अलग से सिम्टम तो है ही, एक्स्ट्रा पल्मोनरी सिम्टम आने लग जाए, जैसे हेडेक, कंफ्यूजन, जो बाकी सिम्टम हम लोग लिखा रहे थे, अगर वैसे सिम्टम भी इन्वॉल्व होते हैं तो वो है एटिपिकल निमोनिया। दे
प्रेजेंट विद एटिपिकल विल फ्लो, दे प्रेजेंट विद, दे प्रेजेंट विद ए कॉम्बिनेशन ऑफ पल्मोनरी, पल्मोनरी मतलब लंग्स, ए कॉम्बिनेशन ऑफ पल्मोनरी एंड एक्स्ट्रा पल्मोनरी सिम्टम्स, वो क्या है, एटिपिकल निमोनिया है। फिर बात करते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। अब अगर ये कम्युनिटी से हॉस्पिटल एटिपिकल निमोनिया प्रेजेंट विद ए कॉम्बिनेशन ऑफ पल्मोनरी, ए कॉम्बिनेशन ऑफ पल्मोनरी एंड एक्स्ट्रा पल्मोनरी सिम्टम्स, पल्मोनरी एंड एक्स्ट्रा पल्मोनरी सिम्टम्स, वो क्या है, एटिपिकल। टिपिकल और एटिपिकल सिम्टम तो जानते ही होंगे, कौन सा टिपिकल सिम्टम है निमोनिया का, कौन सा एटिपिकल सिम्टम है। टिपिकल वो कि जिनके बिना निमोनिया ना माना जाए, और एटिपिकल कि अगर वो निमोनिया ना हो तो भी कोई, वो सिम्टम ना हो तो भी कोई फर्क ना पड़े। जैसे हेडेक, अगर निमोनिया में हेडेक ना हो तो क्या फर्क पड़ता है, चाहे हो चाहे ना हो, लेकिन अगर निमोनिया में खांसी ना आए और सांस ना फूले तो आप निमोनिया उसको मान सकते हैं। तो टिपिकल और एटिपिकल दो टाइप की निमोनिया। फिर बात करते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। अगर ये पेशेंट जो कम्युनिटी में था तब उसको कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया कहा गया, अगर ये हॉस्पिटल में एडमिट होता कितने 48 घंटे से ज्यादा, तब इसको अगर हो जाता निमोनिया तो इसको हम लोग कहते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया लिख लो, हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया इज डिफाइंड, हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया इज डिफाइंड एज ए निमोनिया कॉन्ट्रैक्टेड, एज ए निमोनिया कॉन्ट्रैक्टेड मोर देन 48 आवर आफ्टर, मोर देन 48 आवर आफ्टर हॉस्पिटल एडमिशन दैट वॉज नॉट इंक्यूबेटिंग, दैट वॉज मतलब जो ये निमोनिया हो रहा है ये पहले इसका इंक्यूबेशन पीरियड नहीं चल रहा था कि आगे होगा जाके, दैट वॉज नॉट इंक्यूबेटिंग एट द टाइम ऑफ एडमिशन, मतलब इसका कोई पहले पूर्व रूप नहीं था कि हमको निमोनिया हो जाएगा। The causative agents mainly involve, लिख लो, the causative agent mainly involve is gram negative bacterias, gram negative bacterias, example Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Staphylococcus aureus
स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, लेजियोनेला निमोफिलिया, लेजियोनेला न्यूमोफिलिया। लेजियोनेला न्यूमोफिलिया ये लगभग 3 कॉमन स्ट्रेन हैं, और भी बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो पता चला कुछ कि कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया क्या है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया क्या है। अगर एक सब्जी वाला है और आपके यहां निमोनिया के सिम्टम लेकर आता है, आपने उसको डायग्नोसिस किया कि निमोनिया है और आपने उसे पूछा कि आप क्या करते हैं, उसने कहा कि सर सब्जी की दुकान लगाते हैं, और वो कभी हॉस्पिटल नहीं गया है लास्ट 2-3 महीने में, तो उसको कौन सा निमोनिया हो सकता है, कम्युनिटी एक्वायर्ड या हॉस्पिटल? कम्युनिटी एक्वायर्ड हो सकता है। और आपने उससे पूछा कि आपको पहले से कोई बीमारी है, सेम पेशेंट है, मैं नाम की कहानी बता रहा हूं कि इतने सारे नाम पड़े हैं बस, लेकिन डिवीजन 1-2 ही होते हैं। और आपने पूछा कि आपको कोई पहले से बीमारी है, दिल की बीमारी, लीवर, किडनी, और या फिर इन्फ्लुएंजा हुआ हो या जुकाम हुआ हो या कभी हेरिंजाइटिस, ऐसे कोई भी बीमारी हो, कहता है कि सर हमें पहले कुछ हुआ ही नहीं, पता नहीं कैसे ये आ गया, और हम तो बहुत हेल्दी रहते हैं, जबकि हमारे घर में तो हो सकता है कोई बीमार हो लेकिन हम तो बहुत हेल्दी रहते हैं। अब इसको सेकेंडरी निमोनिया होगा या प्राइमरी निमोनिया होगा? प्राइमरी निमोनिया है। आपने इसका एक्सरे कराया, सेम ही पेशेंट है, आपने इसका एक्सरे कराया और आपको मिला कि अपर लोब में कंसोलिडेशन दिख रहा है, रेडियो ओपेसिटी दिख रही है, तो इसको लोबार निमोनिया है कि ब्रोंको निमोनिया है, कौन सा निमोनिया है? तो इसको लोबार निमोनिया है। अभी इसलिए तुम्हें यहाँ कन्फ्यूजन हो रहा होगा क्योंकि ब्रोंको निमोनिया और दूसरा थर्ड वाला हम लोग अभी डिस्कशन नहीं किए हैं, तो अभी फिलहाल मैं इसलिए मैंने लोबर का पूछा है, लोबार निमोनिया है। और अगर और तुम एंट्री करते चले जाओ, जो टाइप सारे होते हैं, और अगर उसने जैसे पूछा आपने, उसने कहा कि डॉक्टर साहब में बस अभी 2-4 दिन से ही हो रहा है, तो ये एक्यूट है कि क्रॉनिक है? एक्यूट हो रहा। तो जो डिवीजन किए गए हैं ये सब, कोई ऐसा नहीं कि सारे निमोनिया अलग अलग हैं। अब कहानी समझ में आ रहा होगा कि डिवीजन का मतलब क्या है। डिवीजन एक्चुअली टर्म अलग अलग, किसी को पुराना था किसी को नया था, तो उसको क्रॉनिक एक्यूट कह दिया गया। तो नाम अलग अलग दिए गए हैं लेकिन सब एक ही हैं, सब लगभग। आप अगर 2 डिवीजन ही लेकर चलिए, हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया और कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, फिर आप उसी में ऐसे जैसे मैंने बताया वैसे डिवीजन करते चले जाते हैं कि अगर उसको पुराना है तो वही हॉस्पिटल, वही कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया क्रॉनिक निमोनिया हो जाता है, और वही अगर जल्दी है तो एक्यूट निमोनिया। जो बैक्टीरियल निमोनिया है, लेकिन ये बात है कि एक्वायर्ड निमोनिया और जो ये है हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया और कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, ये ज्यादा बैक्टीरियल ही होते हैं, वायरल निमोनिया बहुत कम होता है और फंगल निमोनिया तो बहुत ही कम होता है। तो बैक्टीरियल निमोनिया, इसीलिए निमोनिया का सबसे मेन ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक ही मानते हैं। जब एंटीबायोटिक असर नहीं काम करती है तब एंटीवायरल के साइड जाते हैं, सोचते हैं वायरल निमोनिया हो गया। बैक्टीरियल निमोनिया की पैथोलॉजी जो हम लोग पढ़ते हैं, कंसोलिडेशन, इंफ्लामेटरी रिएक्शन, आफ्टर इंफ्लामेटरी रिएक्शन जो हम लोग कंसोलिडेशन पढ़ते हैं एक लंग्स में, वो 4 स्टेप में डिवाइड किए गए हैं, जो मैं कल शुरू कर रहा था। तुम लोगों ने अगर कल करने दिया होता अब तक तो खत्म हो गया।
बेकार हुआ था, इतना बड़ा पड़ गया। चार स्टेप में डिवाइड होते हैं। पहला स्टेप जब शुरू होता है, एक से दो दिन का स्टेप, एक से दो दिन में डे में पहला स्टेप, इसको कहा जाता है कंजेशन होना। यहां पर जो लंग्स है इसकी एल्वियोलार्स में प्लाज्मा फिलिंग शुरू हो जाता है और ये कंजेस्ट होना शुरू हो जाते हैं पहले स्टेप में, इसको हम लोग कहते हैं कंजेशन। कंजेशन पहला स्टेप, कंजेशन इसमें ब्रैकेट में लिख सकते हो प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन मिक्स्ड एक्सुडेट, प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन मिक्स एक्सुडेट। एक्सुडेट क्या है? क्या है एक्सुडेट? क्या है ट्रांसुडेट और एक्सुडेट, कुछ याद आ रहा है? वो प्लाज्मा एक्चुअली, ये जो प्लाज्मा यहां कंजेशन हो रहा है जिस प्लाज्मा की वजह से, ये जो प्लाज्मा, इसमें अगर ये प्लाज्मा अगर गंदा हो जाए, सीधा सा कॉन्सेप्ट, ये प्लाज्मा अगर गंदा हो जाए, गंदा किसे होगा? WBC के डेड सेल, बैक्टीरिया के डेड सेल, ये लोग मिल जाए तो ये गंदा हो जाएगा, और प्रोटीन भी इसमें मिक्स है क्योंकि गाढ़ा होना है, क्योंकि यहाँ का जो वैसोडाइलेशन है वो ज़्यादा हो गया है तो परमेबिलिटी बढ़ गई है, तो जो प्रोटीन यहाँ से नहीं निकल पाना था वो भी निकल के बाहर आने लगा, तो प्रोटीन मिक्स एक्सुडेट यहाँ फिलिंग होने लगा, उसको हम लोग कहते हैं कंजेशन पहला स्टेप। ये एक से दो दिन तक चलता है। फिर तीसरे और चौथे दिन, थर्ड, अगर इतने पर नहीं रोक दिया गया तो थर्ड एंड फोर्थ डे, तो ये क्या है? कंजेशन हो रहा है बस। लेकिन अगर थर्ड और फोर्थ डे तक निमोनिया नहीं रोका गया तो निमोनिया कैपिलरी तक पहुंच जाता है और इस कैपिलरी को रप्चर करना शुरू कर देते हैं बैक्टीरिया। तो अगर कैपिलरी को रप्चर किया जाएगा, और कैपिलरी की सप्लाई इसमें भी है, यहां भी कैपिलरी सप्लाई है, तो अगर कैपिलरी को रप्चर किया जाएगा तो इसमें से क्या होगा? आरबीसी निकलना शुरू हो जाएगा, एरिथ्रोसाइट निकलना शुरू हो जाएगा। अब क्या होगा? जो यहां का लंग्स है, और जो इसमें अंदर एक्सुडेट भरा हुआ था एल्वियोलाई में, प्लाज्मा में आरबीसी मिक्स होने लग जाएगा। तो जो वो प्लाज्मा है वो रेडिश कलर दिखना शुरू हो जाएगा, और प्लाज्मा बिल्कुल और लंग्स बिल्कुल हार्ड हो जाता है, कंसोलिडेट हो जाता है और रेडिश दिखना शुरू हो जाता है। तो ये हार्ड वैसा हो जाता है जैसे लीवर हार्ड होता है। लंग्स कैसा हार्ड हो जाता है प्लाज्मा उसमें निमोनिया में? जैसे लीवर हार्ड होता है। और ये अब कैसा दिख रहा है? रेडिश कलर का। तो जो ये स्टेप है, सेकेंड स्टेप है, इसको कहा जाता है रेड हेपाटाइजेशन। हेपा मतलब लीवर, रेड हेपाटाइजेशन।
अब यहां क्या है, प्रेजेंस ऑफ, ब्रेकर में लिख देना जैसे नीचे वहां लिखे थे, प्रेजेंस ऑफ, अच्छा इस पेशेंट में स्पुटम कैसा आएगा, सफेद आएगा, और इस पेशेंट में स्पुटम रेडिश कलर का आएगा, ब्लड मिक्स हीमोप्टिसिस यहां इन्वॉल्व हो जाएगा। तो यहां प्रेजेंस ऑफ यहां क्या लिखाया था मैंने, प्रोटीन मिक्स, वो लाइन मुझे बताओ जरा, ये हाँ सेम का सेम यहां उतार लो, यहां भी उतारो, प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन मिक्स एक्सुडेट एक्सुडेट विद एरिथ्रोसाइट ब्रैकेट में आरबीसी, विद एरिथ्रोसाइट ब्रैकेट में आरबीसी। फिर थर्ड और फोर्थ डे अगर पास हो गया तो जो ब्लीडिंग कैपिलरी है यहां से ब्लीडिंग एक्चुअली नए सेल आने बंद हो जाते हैं, क्योंकि होता क्या है कि अगर पहला एक से दो दिन क्रॉस हो जाता है और तीसरा से चौथा दिन भी क्रॉस हो जाता है, चार दिन अगर क्रॉस कर गए तो दूसरे दिन रेड ब्लड सेल्स भी आना शुरू हो जाते हैं, और रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो मैं हमेशा कहता रहता हूँ दे आर वेरी लवेबल टू ईच अदर आरबीसी।